हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जॉब्स ट्रैकर जोन के यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो उस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई नोटिफिकेशन के बारे में। आज की नई नोटिफिकेशन आ रही है CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। CPCL की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो यदि आपने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा के साथ यदि आपने के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप इस क्राइटेरिया में फिट आते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा आगे तक। यदि आप नहीं आते इस फिट तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी मदद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। CPCL की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें इन्होंने पोस्ट जो निकाली है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए 17 वैकेंसीज निकाली हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट Grade 4 प्रोडक्शन ट्रेनी के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसीज निकाली है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 4 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 5 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। उसी तरीके से यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनी के लिए जो यहाँ पे 4 वैकेंसीज है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में असिस्टेंट के लिए यहाँ 3 वैकेंसीज है। असिस्टेंट 4 के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ट्रेनी के लिए 2 वैकेंसीज है, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 P&U इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए 1 वैकेंसी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फायर एंड सेफ्टी में 8 वैकेंसीज, और जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए 6 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से पूरी इन्होंने 72 वैकेंसीज की लिस्ट निकाली है। इसके बारे में पूरी कुछ और डिटेल जान लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने इस रिक्रूटमेंट में सबसे पहले चीज़ ये बता दिया है कि जो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। तो इसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और इन्होंने और भी बहुत चीज़ें इसमें बताई है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई है पोस्ट मोड ऑफ सेलेक्शन के बारे में। मोड ऑफ सेलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनका रिटन टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन टेस्ट जो कि 120 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएंगी, क्वेश्चंस होंगे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, GK से रिलेटेड, और 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो कंसर्न डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे विथ 70 क्वेश्चंस। पूरे मिलाकर के यदि बात किया जाए यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑनलाइन टेस्ट में जो इन्होंने यहाँ पे बताया है 120 मार्क्स। यहाँ पे बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट जो लिया जाएगा वो 120 मार्क्स का है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस जो होंगे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, GK से रिलेटेड, और 70 क्वेश्चंस डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और यदि आप लोग निगेटिव करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसके बाद पोस्ट कोड CPCL 11-12 यानी जो कि फायर सेफ्टी के लिए इन्होंने यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी बता दिया है, एंड्योरेंस टेस्ट बताया है, मेडिकल फिटनेस भी बता दिए हैं। इसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने पेमेंट्स के बारे में बताया है कि क्या आपकी सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 25,000 से लेके 5,000 तक आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है, जो कि बेसिक सैलरी 25,000 से स्टार्ट होने वाली है। तो इसके बाद यदि आप बात करें तो एप्लीकेशन फीस के बारे में इन्होंने बताया है कि 1,000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी होगी, और SC ST वालों यदि हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आपके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो एक और चीज़ इन्होंने बताई है जो कि सब आपके काम की है, वो है यहाँ पे कि अप्लाई करने की डेट क्या होगी। तो अप्लाई करने के लिए जो डेट इन्होंने बताई है, अप्लाई करने की जो डेट है वो 24/3/2022 यानी 24 मार्च से ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ इसको जो क्लोजिंग डेट है यानी कि आप 14 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को भर दीजिएगा, और लास्ट डेट जो पेमेंट का इन्होंने 13 अप्रैल दिया है। इसके साथ उन्होंने इसके बाद इन्होंने एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया है कि 2 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट 8 तारीख को है, 8 मई को। तो
यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई है जो कि आपको रीड कर लेना चाहिए भरने से पहले। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।